हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम पूनम किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए चखने की रेसिपी लेके आई हूँ। चखना का नाम सुनते ही आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद आई होगी, लेकिन ये जो स्नैक्स है आप इसको चाय के साथ में इंजॉय कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी है और जिसे चखने के रूप में इंजॉय करना है वो चखने के रूप में कर लीजिएगा। रेसिपी लेकिन सेम है, बहुत ही चटपटी है। और आप सोच रहे होंगे इसमें मिर्च से हम कैसे बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 मिर्च से हम इतना ढेर सारा नाश्ता बना लेंगे कि आप सभी को इसका एंजॉय करा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी चटपटा से स्नैक्स बनकर रेडी होता है, मिनटों में बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने 3 मिर्च ले ली हैं। ये बड़ी वाली मिर्च है, तीखी नहीं होती हैं। आप सभी को पता होगा कि इसका स्पाइसी फ्लेवर नहीं होता है। तो इसका जो क्राउन भाग होता है ना, जो डंठल होती है, उसे हमें निकाल देना है और थोड़ा सा मोटे मोटे पीसेस में इसको कट कर लेना है। सर्दियों में गर्मा गर्म अगर नाश्ता मिल जाए तो क्या आप कहने, और ऊपर से बिना किसी झंझट के, मतलब कि हमें समय भी नहीं लगना है इसमें, तो ये तो बहुत ही जल्दी बनकर रेडी होता है। कुछ भी नहीं है और ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से देखिए, थोड़े मोटे मोटे पीसेस में इसको मैंने कट कर लिया है। इसको तो इवन बैचलर्स जो होते हैं ना, वो भी बना सकते हैं, जेंट्स भी बना सकते हैं, और लेडीज़ तो हमेशा ही कुकिंग करती हैं। तो ये वाला काम ना आप जेंट्स को दे दीजिएगा, वो बहुत अच्छा बनाकर रेडी करेंगे। और इसके लिए मैंने नमकीन का यूज़ किया है, तो नमकीन बेसन की नमकीन यूज़ की है। कोई भी आप जो बेसन की भुजिया होती है वो ले सकते हैं, या इस तरह की जैसे मैंने ये वाली नमकीन यूज़ की है आप ये भी ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पर नम है नमकीन, तो आप थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लीजिएगा तो वो क्रिस्प हो जाएगी। इसको देखिए मिक्सी के जार में डाल लिया है और इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद ये देखिए बिल्कुल पाउडर फॉर्म में रेडी हो चुकी है। तो जो हमने मिर्च काटे थे ना, उसको बाउल में डाल दिया था, उसी में हमें इस पाउडर को भी डाल देना है। साथ ही साथ इसमें क्रिस्प अच्छा सा बना रहे इसके लिए डाल दिया 1 चम्मच चावल का आटा है, तो ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छी क्रिस्पीनेस आती है। नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा, थोड़ा सा डालिएगा क्योंकि नमकीन में भी नमक है ना। थोड़ा सा कटा हरा धनिया डाल दिया है और साथ ही साथ थोड़ा सा मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है। तीखा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल चटपटा सा स्पाइसी सा टेस्ट चाहिए ना, तो आप थोड़ी सी लाल मिर्च ज़्यादा कर दीजिएगा। सभी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा हमें पानी डालना है, हाथ में इस तरीके से लीजिएगा और थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। इसका बैटर जैसा हमें बनाकर नहीं रेडी करना है, मतलब कि जो हमारी मिर्च है ना, उनका जो खाली भाग होता है वो सिर्फ कवर करना है। ऊपर से कोई कोटिंग नहीं करनी है, कोई लेयर नहीं चढ़ानी है। यहाँ पर मेरी अभी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही होगी आपको, क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा है, तो लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सभी लोग भाई विंटर में इसका एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से इसको बनाकर रेडी कर लिया। थोड़ा सा रूखा सा ही मिक्सचर होगा और हाथ में देखिए इस तरह से मैं दबा रही हूँ, तो बीच वाला पोर्शन अच्छे से देखिए कवर हो रहा है, और जो इसकी साइड्स होंगे ना, उसे हमें कवर नहीं करना है। बस ये देखने में बहुत प्यारा लगता है फ्रेंड्स, और जो बीच वाला भाग है बस इसी को हमें कवर करना है। इसमें क्रिस्पीनेस आएगी और ऊपर से ये जो मिर्च की लेयर होगी ना, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसी तरीके से हम सभी को बनाकर रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया है और ये गर्म कर लिया अच्छे से। अब यहाँ पर इसको मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मीडियम फ्लेम पे रहेगा तो ये तेल को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, और सभी चीज़ों को, मतलब जो हमने बनाकर नाश्ता रेडी किया ना, इसी में डाल देते हैं। आधा मिनट बिल्कुल भी इसे हिलाएंगे नहीं, थोड़ी देर बाद हम स्पैचुला इसमें लगाएंगे। इसको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई करिएगा और थोड़ी देर बाद आप इस तरीके से हल्का सा इनको पलट दीजिएगा। बस 1 मिनट में ये फ्राई होकर रेडी हो जाएंगे। बस इसको निकाल लेते हैं एक अलग प्लेट में। क्रिस्पी करारा चटपटा सा तीखा तीखा ये हमारा स्नैक्स बनकर रेडी हो गया है, और मैंने टिश्यू पेपर प्लेट में लगा दिया, उसमें निकाल लिए हैं इन सभी को। ऊपर से डाल देते हैं थोड़ी सी नमकीन भुजिया। ये जो मैं ऊपर से डाल रही हूँ पूरा तरीके से ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिना इसको डाले ही इतना क्रिस्पी है कि आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इसे चखना बनाना है मुझे, बहुत अच्छा सा टेस्ट देना है चटपटा सा, तो इसलिए मैंने ऊपर से थोड़ा सा कटा हरा धनिया से गार्निशिंग की है और थोड़ा सा बारीक कटा हरा प्याज डाल दिया है। हरा प्याज नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, नॉर्मल प्याज मैंने डाल दिया है इसके ऊपर बारीक चॉप करके, जैसे चखना बनाते हैं ना एकदम चटपटा सा तीखा सा, उस तरीके से। तो यहाँ पर प्याज मैंने डाल दिया है, थोड़ी सी कटी वाली हरी मिर्च डाल दी है,
जब तक चखने में तीखा सा स्वाद ना आया मज़ा नहीं आता। तो हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और लास्ट में बिल्कुल तड़कता भड़कता टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे चाट मसाला डाल दिया। स्प्रिंकल कर दीजिएगा चाट मसाला और ये बन गया हमारा एकदम चटपटा सा चटखारेदार चखना। इसको आप चाय के साथ एंजॉय करिए, कोल्ड ड्रिंक के साथ एंजॉय करिए, या आप उसके साथ एंजॉय करिए, आप समझ गए ना। तो आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जो लोग न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, पास ही लगा बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली यूनिक और आसान रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाए। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।